लेगिंग्स में से आज हम क्रोशे वर्क करेंगे। तो ये जो लेगिंग्स है तो ये इसका फीट पार्ट है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा वर्क किया था, रोजेज बनाए थे तो उसके लिए मैंने इतना कट किया था। लेकिन यहाँ से अब हम थ्रेड कैसे बना सकते हैं कंटिन्यू विदाउट एनी कट। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो फोल्ड हुआ है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया है जो नॉर्मली इस तरह से फोल्ड होता है। तो अब जो है हम इसमें से कंटिन्यू स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी पॉइंट। तो यहाँ से हम थोड़ी विड्थ ज़्यादा रखेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। सो यहाँ पे मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया है वैसे ही हम कट करेंगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे कट करना, यहाँ से ये सीधा कट करेंगे यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से हम कट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो हम कट करेंगे यहाँ तक। यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट कट हम यहाँ से करेंगे। तो ये जो है ये कंटिन्यू स्ट्रिप्स फॉर्म होगी। लेट मी शो यू, इस तरह से हम यहाँ से कट करते जाएंगे। तो ये एक स्ट्रिप मैंने कट की, दूसरी स्ट्रिप मैं यहाँ से इस तरह से कट करूँगी। तो बस इसी तरह से आपको यू फॉर्म में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो हम ड्रॉ करेंगे वो यहाँ तक हम कट करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ये हमने कट कर दिया, फिर नीचे जाके हम वापस ऊपर आएंगे, यहाँ तक कट करेंगे। फिर ये जो कट किया हुआ है यहाँ से हम इस तरह से यू टर्न ले लेंगे। बस इसी तरह से आपको सारी स्ट्रिप्स बनानी है। अब जो धागा है वो हम इस तरह से इसके ऊपर सिक्योर कर देंगे। जब भी हम वर्क करेंगे, अब जो नेक्स्ट है हम सर्कल बनाएंगे सिंगल क्रोशे यूज़ करके। तो मैं ये टूथब्रश यूज़ कर रही हूँ जिसमें से ये मैंने हुक बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है मेरी चैनल नीतिश क्रोशे आर्ट में, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगी। सो डू चेक द कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो और विजिट नीतिश क्रोशे आर्ट यूट्यूब चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू मेक सच अ फ्लेक्सिबल एंड बिग क्रोशे हुक। सो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा सा ही बनाया है ये जो रोल है वो। आपको जितनी बड़ी साइज का अपना वर्क बनाना हो उस हिसाब से आप कटिंग्स कर सकते हो। तो ये हमने होल बनाया। अब जो है यार्न ओवर और इस तरह से हम इसमें से ये धागा निकालेंगे जो हमने बनाया है। अगेन अब ये जो सर्कल है वो हम थोड़ा बड़ा रखेंगे और इसमें से हम 4 से 5 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। सो ये जो सर्कल है उसमें से हमें करना है चेन वन, इंसर्ट योर हुक इन दिस सर्कल कंबाइन दिस टू लूप्स स्टार्टिंग का जो फर्स्ट राउंड होता है वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट रहेगा। सो ये फर्स्ट चेन स्टिच सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क किया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड सिंगल क्रोशे स्टिच, नाउ थर्ड सिंगल क्रोशे स्टिच अगेन इन दिस सर्कल यार्न ओवर। ओके नो नीड टू यार्न ओवर, जस्ट इंसर्ट इन दिस सर्कुलर गैप एंड कंबाइन दिस, अगेन इंसर्ट इन दिस सर्कुलर गैप एंड
कंबाइन दिस। तो बस इसी तरह से हम सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क कर रहे हैं। सो ये टोटल हमने 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क की। अगेन लास्ट हम सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे। ओके, कंबाइन करने के बाद अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्टिच से स्टार्ट करेंगे। अब हम सर्कल में से नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड में जो हमने वर्क किया था सिंगल क्रोशेट, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर एक स्टिच में हम दो दो बार सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे। जैसे कि ये स्टिच में से हमने ऑलरेडी एक बार वर्क किया, तो इसी स्टिच में से हम सेकंड बार इस तरह से सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे। ये जो आप डोरमैट बनाते हो और उसमें बहुत ही यूज़फुल है ये सारी आइडिया। अगेन नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्टिच में से हम दो बार सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे, 1 and 2। अगेन इन द नेक्स्ट स्टिच दिस वन हियर। बस इसी तरह से हम हर एक नेक्स्ट स्टिच में से दो दो बार सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही रफली कटिंग्स किया है, इतना एक्यूरेट मैंने कटिंग्स नहीं किए हैं, फिर भी इसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा ही लग रहा है जो हम वर्क कर रहे हैं। तो वन टाइम सिंगल क्रोशे, अगेन सेकंड सिंगल क्रोशे स्टिच। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से ये नेक्स्ट जो स्टिच है यहाँ से हम दो बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। तो बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू नेक्स्ट स्टिच में से सिंगल क्रोशे स्टिच दो बार करनी है। अब जो नेक्स्ट है वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से करूँगी। तो जो डोरमैट हम बनाते हैं या तो फिर कोई भी चीज़ का, अगर आपको कवर बनाना हो या तो फिर टेबल मैट्स बनाने हो, तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही क्विकली आप बड़ी साइज़ में जो भी बनाना हो वो इजीली आप बना सकोगे, क्योंकि इसके जो धागे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो फटाफट हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से पर्सनलाइज हुक बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, और जो घर में सारी चीज़ अवेलेबल होती है मैंने वही यूज़ किया था। ऐसा कोई स्पेशल टूल भी नहीं यूज़ किया था कि जो आपके पास अवेलेबल ना हो। क्योंकि जो टूथब्रश होता है उसमें से बहुत ही इजी रहता है उसको कार्विंग करना, सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसे हम इजीली जो शेप देना हो वो दे सकते हैं। एज यू कैन सी, बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। एक और राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ, हर एक स्टिच में से दो 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 बार सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क कर रही हूँ। दिस इज द बैक साइड। ये जो दिख रहा है वो हम थोड़ा सा इस तरह से इसको अंदर डाल देंगे। तो बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट जो स्टिच है वो ये वाली है, तो हम एक ही स्टिच लेंगे इस तरह से, दो स्टिच नहीं लेनी है। तो ये हमने एक सिंगल क्रोशे किया, अब इसी में से दूसरा सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे और अगेन इसको हम कंबाइन करेंगे। सो कंटिन्यू इन दिस वे। लास्ट में जब थोड़ी सी ही रस्सी बाकी हो तो हम स्लिप स्टिच वर्क करेंगे।
ओनली स्लिप स्टिच वर्क करेंगे इस तरह से। हर एक नेक स्टिच में से हम स्लिप स्टिच वर्क करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इतनी साइज में मैंने बनाया है। पूरी लेगिंग्स नहीं यूज़ की है, आधी से भी कम यूज़ की है, तो उसमें से इतना हुआ। लेकिन अगर आप पूरी लेगिंग्स यूज़ करोगे 2XL 3XL साइज़ की, तो डेफिनेटली आप डोरमैट बना सकते हो और कलरफुल लेगिंग्स के भी आप लेयर्स अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिलहाल ये हम इसके ऊपर गर्म बर्तन रखने के लिए ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, या तो फिर गर्म कप रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, ये आप ज़रूर ट्राई करना। वेस्ट मटेरियल में से आप कुछ नया इनोवेटिव बना सकते हो।